अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशीर मुनव्वर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बशीर मुनव्वर व्लॉग्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खरीद के साथ होंगे, जाओगे खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खरीद के साथ हूँ। इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी ना रात के 8:30 बज चुके हैं और इस साइड ना अभी अबू जी ने बाइक जो है वो निकाल ली है। तो किधर जा रहे हैं, क्या तैयारी हो रही है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम भाई, शाम हो गई है तो दुकान मैंने बंद की है, तो बच्चों ने भाई फरमाइश कर दी अबू जी जाते हैं बाजार, वहाँ से कुछ चीजें खाने पीने की, जैसे कि वो कह रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी लेनी है, समोसे लेने हैं, जी जा रहे हैं। और आप ही आ जाए हमारे साथ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, रौनक बनी जाएगी रस्ते में, घूम भी आएंगे, थोड़ा एंजॉय करके आएंगे। तो शाम को भाई एंजॉय करके सारा दिन काम करते हैं, शाम को एंजॉय करने निकलते हैं, पूरा दिन टाइम ही नहीं मिलता। हाँ भाई, जो हमारे हिसाब किताब के साथ वाले शहर है तो हमें तो यहीं पे एंजॉय करना होता है। लोग शहरों में, बड़े शहरों में होते हैं, वो बाजार में काफी काफी टाइम घूमते फिरते हैं, लेकिन हमारे तो यही बाजार है ना। हाँ जी, चलो बैठे चले। तो अभी हम ना रास्ते में जा रहे हैं और इस साइड ये विलेज देखे बिल्कुल ही अंधेरा हो गया, और यहाँ पे आप लोग घरों की लाइटें जो है वो जलती हुई नजर आ रही होंगी, फसलें वगैरह नहीं नजर आएंगी क्योंकि ना बिल्कुल अंधेरा है। इस साइड देखे कुछ इस तरह के विलेज में रस्ते होते हैं, तो शहरी जो है ना वो काफी खुश हो रहा है आज। शहरी मुझे कहता है कि अबू जी मोटरसाइकिल को आहिस्ता चलाओ आहिस्ता चलाओ। मैंने हालांकि तेज चलाई भी नहीं, बिल्कुल आराम आराम से जा रहा हूँ। हाँ जी, ये अच्छा बच्चा नहीं वैसे। हाँ जी, वो कह रहा बाइक टूट जानी है। नहीं वैसे गाँव के रस्ते जो होते हैं वो टूटे फूटे से होते हैं, बाइक वैसे भी ना आहिस्ता चलाना चाहिए। क्या क्या पावरफुल है ये है ट्रैक्टर, बड़ा ये बड़ा बैठा। शहरी कह रहा है ये ट्रैक्टर है, बड़ा पावरफुल है। हाँ जी, बिल्कुल पावरफुल है ना। ये देखो ना इतना बड़ा ट्रैक्टर है और कितने गन्ने लेके जाता है। पांच गन्ने ले गया। पांच नहीं जाता है। एक दो तीन सारे ले जाए। बड़े कितना काम आप गन्ने चढ़ने सारे गन्ने ले। अच्छा आप चुप भी कर जाओ, रात हो गई, सामने से ना गाड़ियाँ आ रही है। ये भी होता है सामने से बाइक आ रही होती है लेकिन उसकी लाइट खराब होती है, जब पास आती फिर नजर आती कोई चीज आ रही है, इस तरह की बाइकें यहाँ से गुजर रही हैं। अच्छा एक बात है, क्या सारा दिन ना गर्मी थी तो अभी ना बिल्कुल ना मौसम ठंडा हो गया है, और जब मोटरसाइकिल चलाते हैं ना तो ठंडी ठंडी हवा लगती है, बहुत अच्छी लगती है, मजा आ रहा है। शहरी शहरी आप बताए, आपको हवा अच्छी लग रही है? ठंडी नहीं, ठंडी लग रही है। ठंडी लग रही है, बहुत ठंडी है। अभी हम ना सिटी पहुंच चुके हैं और इस साइड आप ये सारी शॉप्स वगैरह देख रहे होंगे, तो यहाँ पे ना सारी शॉप्स मिल जाती है फ्रूटों की भी, और उसके अलावा जैसे कि फास्ट फूड होगी इस तरह की यहाँ पे शॉप्स हैं। तो अभी हम आए एक इधर फ्रूट वाली शॉप पे, तो यहाँ से अभी ना कोई फ्रूट वगैरह जो है वो ले लेते हैं, और उसके बाद जो है हम सीधा घर। शहरी भी खड़ा है इधर, ज़ुरेश भी खड़ा है। तो ज़ुरेश कह रहा ना मैंने लेनी है स्ट्रॉबेरी, तो देखते हैं अगर स्ट्रॉबेरी सही हुई तो ले लेंगे या फिर कोई और चीज़ ले लेंगे। तो फिलहाल बब्बू जी ना माल्टे जो है वो उठा रहे हैं, तो उस शॉप से ना बेर जो है हमें नहीं मिले, तो शहरी काफी जिद कर रहा है मैंने बेर लेने, तो इस साइड ना बेर पड़े हुए हैं। उसके पास बेर पड़े थे लेकिन हम बिल्कुल छोटे से थे, सूखे से थे, इसके पास ये बेर पड़े हुए हैं, तो यहाँ से भी बेर जो है वो ले लेते हैं। कुछ फ्रूट हमने उधर से लिए तो और कुछ इधर से ले लेते हैं, और उसके बाद जाएंगे सीधा हम घर। और कौन सी चीज लेनी है बताओ। एप्पल ले जी, अभी हम ना घर आ चुके हैं। चलो जी भाई, चलो भाई, माशाल्लाह खैरियत से घर पहुंच चुके हैं। आज भी शाम को सब बच्चों ने एंजॉय किया, बड़े खुश हैं, सब ने अपना अपना शापर हाथ में पकड़ा हुआ है। चलो भाई अपना शापर लेके चलो आगे। भाई अपनी अपनी चीजें दिखाओ, कौन कौन सी चीज ले। ज़ुरेश ने लिए हैं बेर, ये देखें माशाल्लाह इस तरह के कुछ बेर लिए ज़ुरेश ने। आपने क्या चीज ली है? इसमें एक एप्पल ली है। शहरी ने भाई एप्पल ली है, और इधर भाई हमने माल्टे भी लिए, और साथ में कुछ हमने स्ट्रॉबेरी भी ली है। अच्छा तो शहरी आप ये बताए कि पहली दफा आपने रात को इस तरह का सफर किया, कैसा रहा आपका सफर? फिर ठीक ठीक रहा, इंजॉय किया? माशाल्लाह भाई शहरी बहुत खुश है। चलो भाई खाए, जो चीज खानी खाए। हाँ जी, तो माशाल्लाह भाई पीटर को मैंने बेच दिया है, क्योंकि आपको पता है कि सोलर लगा लिया, अब ये फारिग हो गया है तो इसको बेच दिया है, तो ये रक्षे पर लोड करके लेके जा रहे हैं, मार्केट में जाके बेच देंगे, लेकिन मैंने इन्हें बेच दिया। बच्चे इधर आ गए स्कूल से, छुट्टी हो गई, मुबशर भी आ गया, ज़ुरेश भी आ गया, शहर भी आ गया। ये कहते हैं कि हमें मुर्गी दिखाओ, जो हमने ना मुर्गी को अंडे ऊपर बिठाया था ना, वो मुर्गी किधर है? वो इस तरह पहले मुर्गी को हमने उधर कमरे में बिठाया था, वहां पर मुर्गी खुश होकर नहीं बैठी थी, तो मुर्गी को इधर बिठाया जिधर वो पहले रहती थी। चले मैं आपको दिखाऊं मुर्गी। शहर आपने मुर्गी देखनी है? देखनी है। चलो किधर फिरती है मुर्गी है? वो बाहर फिरती है, और वो मुर्गी भाई अपने अंडों पर बैठी है, बकायदगी से बैठी है, और से देख लो कि ये वही मुर्गी है। अच्छा एक बात बताऊं, क्या
ये खाने के लिए भी बाहर नहीं निकलती, बैठी रहती है। हम इसको खुद बाहर निकालते हैं। अभी तक तो बच्चे भी नहीं दिए उसने, बाकी दिन रहते हैं। 3 तारीख को बिठाई थी ना हमने अंडों पर जी, आज है मेरे ख्याल में 6 के साथ 6 है जी। अच्छा अभी भाई दिन बाकी रहते हैं, ठीक है ना, इंतजार करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में बाकी 6-16 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। इधर भाई ये बजरी पड़ी है जी, और मेरे पास सीमेंट है। हाँ जी, इसको मिक्स करना है, मिसाला बनाना है। ग्रेज और जो शहरी है ना, वे बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक छोटा सा कमरा बनाया जो पानी वाली मोटर नहीं लगाई। हाँ जी, उसके ऊपर वो कहते हैं अब हमने भी देखना। मैंने कहा कि चलो चलते हैं, थोड़ा सा सीमेंट भी बना लेते हैं, मिसाला ये भी उधर लगा देते हैं, और आपको मैं वो कमरा भी दिखाता हूँ। मिसाला मैंने यही सोचा कि मैं घर से बना के जाता हूँ, क्योंकि उधर पानी नहीं मिलेगा शायद। साला हमारा रेडी हो गया। ये तो वजनी भी काफी ज्यादा है यार। हाँ जी, तो चलें। चलो आ जाओ सुरेश शहरी, चलें। हम इधर आ चुके हैं अपनी मोटर वाली साइड। पहले हम कहते थे हम आए पीटर वाली साइड, अब कहेंगे हम आए मोटर वाली साइड। तो इस साइड मोटर लगी खड़ी है, इसके ऊपर क्या लगा दिया? ये छोटा सा इसका कमरा बनाया, जो शहरी को भी दिखा रहा हूँ, सुरेश को भी दिखा रहा था। ये इस तरह बनाया कि ये सारा ना इसकी लोहे की चादर बनाई है। हाँ जी, मैं इसको ढांप दिया ताकि बारिश आए और पानी नीचे ना जाए मोटर पास। इधर नीचे ना मैंने एंगल लगाया है जी, और साथ ये ना सरिये जो है ना ये वेल्डिंग करवाया है, यानी कि इसको ना नीचे ना अच्छी तरह मजबूती से ना फिक्स कर दिया है इसको जी। और उधर से ना मैंने लॉक लगा दी जंजीर के साथ, जो ये नीचे वाली बोर है ना। हाँ, इसके साथ ये वाली जो मैंने इसका एक छोटा सा कमरा बनाया ना। हाँ जी, ये इसके साथ ना टच हो गया है, अब इसको कोई उठा नहीं सकता, क्योंकि नीचे से भी मजबूत है और मोटर इसमें रहेगी। अगर कोई कोशिश करता भी है ना जी, वो सारी बोर को निकालेगा जमीन से, और इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। तो बस ना ये मैं थोड़ा सा सीमेंट लेके आया हूँ, तो मजीद ना ये वाला जो हिस्सा है ना जी, इधर सीमेंट डाल देता हूँ ताकि ना मजबूत हो जाए और पक्की हो जाए, इसको निकालना मुश्किल हो जाए। यानी किसी जो छोटा सा कमरा है ना, ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा नीचे, और मजीद भी कवर मेरे पास उतना पड़ा है। हाँ, तो ऊपर से ना चढ़ा देंगे। फिर आप ये सीमेंट लगाते हैं, और यही कमरा है जो मैंने बनाया है। अच्छा, तो एक और बात है, कल मैंने इस मोटर को 4 घंटे चलाया था, और आज भी मैंने 4 घंटे चलाया है, यानी कि कल और आज के हुए 8 घंटे, यानी कि 8 घंटे में 2 एकड़ भराए मैंने। अभी ना ये जो हम ना जीरी और सीमेंट जो मिक्स करके ले आए थे, तो इसको ना इधर मोटर के ऊपर डाल देते हैं। मोटर को ना अच्छी तरह ना ब्रिज से ना फिक्स कर देते हैं नीचे। बजरी और सीमेंट जो हम मिक्स करके लेके आए थे, वो कुछ इस तरह करके हमने इस ना पिंजरे के ऊपर लगा दिया। इसको पिंजरा भी कहते हैं, इसको पिंजरे की तरह बुझी बना के ले आए, इसको अंदर से कोई निकाल लेना मोटर को। अभी ना शहरी, जुरेज और मैं जा रहे हैं वापस घर। इधर फसल वाली साइड से इस साइड फसलें चेक करें जी, माशाल्लाह से काफी खूबसूरत लग रही है, ग्रीन ग्रीन। और इस साइड से बादल जो है वो भी आ रहे हैं, तो थोड़े ना बारिश के इम्कान लग रहे हैं हमें। और इस साइड सूरज जो है वो बादलों में अब छुप रहा है। इस साइड आप देख लोगे हमारे चूसे जो है ना वो हमारे हैं, छोटे पिंजरे में बंद हो, अब हमारे चूसे जो है वो भी बड़े हो रहे हैं, इनके पर जो है वो भी अब आ रहे हैं। तो अभी ना चूजों को ना इधर से निकाल के ना मैं इनके न्यू घर में इनको शिफ्ट कर देता हूँ। इसी के साथ आज की वीडियो का फिर ये एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारे यहाँ न्यू आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसके साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।